मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग आज सुबह कटनी पहुंचे। सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भेंट की। इसके बाद मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। सारंग ने कहा कि जिले की पुरानी मांग मेडिकल कॉलेज शुरू होना चाहिए, जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। इस दौरान देश में कोरोना वैक्सीन की विश्वसनीयता को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जिन शशि थरूर पर अपनी पत्नी के मर्डर का इल्जाम है, वो वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हम वैज्ञानिकों पर प्रश्न चिन्ह ना लगाएं। नेताओं को वैक्सीन लगाने से विश्वसनीयता पैदा होती है तो वो भी देखेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के ट्वीट पिक्चर अभी बाकी है और भाजपा के 35 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं, पर कहा कांग्रेस की पिक्चर बनने के पहले 15 महीने रिलीज हो गई थी, जो अब डब्बे में बंद हो गई। आपको बता दें कि आज सुबह मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग अल्पवास पर कटनी पहुंचे थे। विंध्या किरण के लिए कटनी से अशोक वर्मा की रिपोर्ट। ये तो दोनों को मैचिंग ग्रांट से ही बनता है, फिक्र मत करिए। मध्य प्रदेश ने भेजा है, मतलब मध्य प्रदेश के बजट में आ गया, ये मान लीजिए। मध्य प्रदेश जब प्रस्ताव कोई राज्य भेजता है तो जो जो अहर्ताएं हैं वो पूरी करके ही केंद्र सरकार उसको स्वीकृति देती है या कंसिडर करती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या राज्य सरकार बजट देने को तैयार है, ये सहमति सबसे पहले होती है। क्या जमीन है, उसकी सहमति सबसे पहले होती है। फिजिबिलिटी और डिजायरेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है कि उस जिले में ये फिजिबल है या नहीं है, तो इसके बाद ही तो केंद्र में जाती है। वो प्रोफार्मा ही वो है। आप ये मानिए, यदि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा है तो बजट के साथ ही भेजा है। आपने वैक्सीन की बात की, वैक्सीन जैसे ही लगना चालू होगी तो क्या उसकी विश्वसनीयता को लेकर भी संदेह खड़े किए जा रहे हैं, तो क्या जो देखिए और मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल, मुझे बहुत आश्चर्य होता है।